नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको पाइल ट्री टैबलेट के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या कॉम्पोजिशन पाए गए हैं, उनका वर्क क्या है, इसे किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है, इसकी प्रॉपर डोज क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और इसकी सेफ्टी एडवाइस क्या है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो पाइल ट्री टैबलेट है इसमें क्या कॉम्पोजिशन पाए गए हैं। जो पाइल ट्री टैबलेट है इसमें कुछ आयुर्वेदिक कॉम्पोजिशन पाए गए हैं और ये स्मार्ट वे कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। इसके प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है मात्र 50 रुपीज ईच स्ट्रिप का। और इसकी पैकिंग की बात करें तो आपको इसकी 1 बॉक्स में 3 स्ट्रिप्स अवेलेबल हो जाएंगी और इसकी 1 स्ट्रिप में आपको 10 टैबलेट्स अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए अब हम इसके वर्क के बारे में जानते हैं कि इसमें जो कॉम्पोजिशन पाए गए हैं उनका वर्क क्या है। जो कॉन्स्टिपेशन है ये एक रूट कॉज होता है पाइल्स का। जो पाइल ट्री टैबलेट है ये एक फॉर्मूला है जो हेल्प करता है ट्रीट करने में कॉन्स्टिपेशन को, जिससे कि जो स्टूल है वो सॉफ्ट हो जाए और जब आप स्टूल करने जाएं तो जी इजीली पास हो जाए और ब्लीडिंग मींस ब्लड लॉस ना हो। जो कैप्सूल है वो हेल्प करता है पाइल मास को श्रिंक होने में और रिलीफ दिलाता है पेन से, इचिंग से। जे बहुत ही बेनिफिशियल होता है अंदर के और बाहर के पाइल्स के लिए। चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि इसे किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है। जो पाइल ट्री टैबलेट है इसका यूज़ पाइल्स के लिए मीन्स जिस पेशेंट को ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 पाइल्स होता है, इंटरनल पाइल्स होते हैं, उसमें इसका यूज़ किया जा सकता है। या फिर किसी पेशेंट को फिशर्स पोस्ट सर्जिकल पाइल्स होते हैं, जिसे कि मीन्स एनस के जो टिश्यू होते हैं वहाँ पर जो स्मॉल टीयर हो जाता है जिसकी वजह से पेशेंट को ब्लीडिंग होती है, जो ज़्यादातर हार्ड स्टूल की वजह से होता है। या फिर इसके बिना इस टैबलेट का यूज़ फिस्टुला स्मूथ एंड लैक्सेटिव इफेक्ट रिलीफ कॉन्स्टिपेशन मीन्स कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ दिलाने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है एज अ लैक्सेटिव। चलिए अब हम इसकी डोज के बारे में जान लेते हैं, इसकी डोज क्या है। जो पाइल ट्री टैबलेट है इसकी 1 टैबलेट को आप दिन में 2 बार खाना खाने के बाद एटलीस्ट 2 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं और एज डायरेक्टेड बाय योर फिजिशियन, जिस तरह से डॉक्टर ने आपको बताया है उस तरह से भी ले सकते हैं। इस टैबलेट को हमेशा पानी के साथ ही लेना है और पानी हमेशा गुनगुना ही होना चाहिए। चलिए अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। जो पाइल ट्री टैबलेट है ये एक 100% आयुर्वेदिक मेडिसिन है, तो इसके किसी भी तरह के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। अब हम इसके सेफ्टी एडवाइस के बारे में जान लेते हैं। इसके सेफ्टी एडवाइस हैं, बच्चों से इस टैबलेट को हमेशा दूर रखना है। अगर आप अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं तो आपने इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना है। मिनिमम आपने 2 मंथ्स तक इस टैबलेट का सेवन करना है, अदरवाइज आपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग भी इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। इसके बेनिफिट्स हैं, ये रिलीफ दिलाता है ईचिंग से, ब्लीडिंग से, कॉन्स्टिपेशन से जब पाइल्स और फिशर्स के ड्यूरिंग होती है। क्यूक आराम दिलाता है ये पेन से और इन्फ्लामेशन से मीन्स जब सोजिश हो जाती है पाइल्स वाली जगह पर। बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है क्रॉनिक मीन्स गंभीर रूप में हुई कॉन्स्टिपेशन के लिए। ये एक माइल्ड लैक्सेटिव का काम करता है मीन्स स्टूल को सॉफ्ट करता है और स्मूथ करता है और जिससे कि जो स्टूल है वो इजीली अच्छी तरह से पास हो जाए। ये एक पावरफुल एंटीसेप्टिक है मीन्स इन्फेक्शन से ये बचाता है। ओवरऑल जाने तो जो पाइल ट्री टैबलेट है इसका यूज़ पाइल्स के लिए, फिशर्स के लिए और फिस्टुला के लिए एज अ लैक्सेटिव कॉन्स्टिपेशन में यूज़ किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।